दोस्तों, वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। और आज फिर उड़ा रहे हैं कबूतर, और एक साथ नर और मादिन उड़ा रहे हैं मिलके। तो परसों जो कबूतर उड़े थे उनको कल भी उड़ाया था मैंने। सबके साथ बहुत तेज बारिश हो रही थी तो कल भी कबूतर बहुत जल्दी आए, लेकिन आज टोटली 20 करीब कबूतर उड़ाएंगे। तो इसमें सब नर मादिन हैं और 5-6 कबूतर नए लगाए, उनको कलर लगाया था। 5-6 नए के साथ में ये पुराने कबूतर भी चलेंगे। तो अपन देखते हैं कि आज कितना टाइम है, क्योंकि मौसम आज बिल्कुल साफ़ सुथरा है, खुला हुआ है, आसमान भी बिल्कुल खुला हुआ है। और जो पिंक कलर लगाए वो फीमेल्स को लगाए और ऑरेंज कलर नरों को लगाए। तो सुबह के 7:01 हो रहे हैं, अपन इनको उड़ाते हैं और टाइम नोट करेंगे, क्योंकि अब मैंने न्यू ऐप अपलोड कर दी है, न्यू ऐप इंस्टॉल कर ली, जिससे कि आप सबको टाइमिंग का भी इजली पता लगेगा कि किस टाइम बैठ रहे हैं कबूतर और कितना उड़ रहा है। तो ये साफ साफ हर चीज़ दिखेगी। तो चलिए दोस्तों, उड़ाना स्टार्ट करते हैं इनको। तो दोस्तों, कबूतर उड़ा दिए हैं, 20 करीब कबूतर हैं। तो आज पता लगेगा कौन कौन से सिलेक्शन करना है। इसमें से भी टूर्नामेंट में उड़ाने में जल्दबाजी इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि 3 टूर्नामेंट बाकी हैं अपने। उस टूर्नामेंट की वजह से अपन सीरियस हो गए, और आप मेहनत करोगे तो कबूतर भी मेहनत करेंगे, और आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा आप कबूतरों से मेहनत करवाना पड़ेगी, तभी सक्सेस के चांसेस रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जितनी मेहनत आप करोगे उससे ज़्यादा कबूतरों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्स है और खिलाड़ी से मेहनत तो करवाना है आपको। आप एक तरीके से कोच बनते हो कबूतरों के, क्योंकि कबूतर आपके होते हैं, जो आप चाहते हैं वो कबूतर करते हैं। तो ये देखते हैं, ये नीचे नीचे उड़ रहा है नया कबूतर, इस साइड जा रहा है। तो चलिए, जैसे कबूतर बैठते जाएंगे मैं अपडेट देते जाऊँगा। वैसे ये भी बैठने वाला लग रहा है मेरे को, ये उड़ाया है अभी, इधर चले गया। और बाकी ये कबूतर देखिए आप, ये चल रहा है ऊपर। हल्की सी ओस भी गिरी है आज। कबूतर नहीं चल रहा है, 5-6 कबूतर नए उड़ाए इसमें, तो वो सब साथ में लग गए। लगे तीन कबूतर बिल्कुल नीचे नीचे और बैठने की जगह से, हो सकता है एक आध कबूतर यहाँ पे भी बैठा हो बिल्डिंग पे, लेकिन मेरी नज़र में नहीं आया बैठते हुए, क्योंकि नए कबूतर तो उधर भगते ही हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये गुड़ चलती हुई। कल जब उड़ाए थे कबूतर तो एक कबूतर को बेरी ने पीटा भी था, कल भी एक पीटा कबूतर। और जब उड़ान थी टूर्नामेंट की, उसमें भी एक कबूतर वापस नहीं आया। और दोस्तों, जो कबूतर लंबे जाते हैं 4-5 घंटे के ऊपर, उनके लिए खुराक ज़रूरी होती है लगना। तो खुराक आज रात को बनाऊंगा मैं, और जल्दी वीडियो भी अपलोड करूंगा उसका मैं। खुराक बहुत ज़रूरी होती है कबूतरों के लिए, क्योंकि ताकत भी चाहिए रहती है। क्योंकि ताकत नहीं होगी तो कबूतर आसमान कैसे जाएगा, और जब लंगिश करके आएगा कबूतर तो उसको इंस्टेंट एनर्जी भी चाहिए रहती है। तो वो है, तो आज वो खुराक बनाएंगे जो कबूतर लंबिश करके आते हैं उनके लिए, क्योंकि अभी तक भी कुछ नहीं दे रहा था। तो आज कई कबूतर जो ज़्यादा देर तक उड़ेंगे 5 घंटे के, तो उसको खुराक मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। जो कबूतर सिर्फ 5 घंटे करेगा सिर्फ उनके लिए। तो चलिए, जब आते जाएंगे तब मैं बताते जाता हूँ। तो इन्होंने 2 अलग अलग बना लिए, एक में 5-8 कबूतर ही चल रहे हैं एक साथ, और एक इसके ऊपर छतरे बितरे चल रहे हैं अभी। तो आप धीरे धीरे एक साथ उड़ाने लगेंगे तो गुट बनने लगेगी इनकी, गुटबाजी हो जाएगी, आसमान में भी एक लीडर हो जाएगा जो जिसके पीछे सारे कबूतर चला करेंगे, और बाकी उसके पीछे पीछे। तो ये देख सकते हैं, और ये नीचे नीचे 3 कबूतर अलग उड़ रहे हैं।
दोस्तों आगमन हो चुका है बाज बेरी लगड़ का, तो एकदम स्पीड तेज़ हो गई तो सारे कबूतर बिखरने भी लगे थे, और तरमची जिसने कल कबूतर गिराया था वो दिखी भी थी, तो ये निशाना बांध रही होगी, कहीं से निशाना बांध के गिराएगी ऐसा लग रहा है मेरे को। और ऊपर वाले घर में कबूतरों में चटनी भी लगाने लगे, तो इस वजह से अब कबूतरों में तेज़ी आ गई, तो ये नीचे नीचे भी उड़ रहे हैं कबूतर 7-8, और बाकी कबूतर आसमान में अंदर भी जा चुके हैं। थोड़ा सा कोहरा है ऊपर जाते ही, तो कोहरे के अंदर जा चुके कबूतर। इसके ऊपर वाले जो कबूतर थे ये देख सकते हैं आप, इसमें कुछ कलर चेंजिंग करता हूँ मैं, और स्टार्टिंग में शायद आवाज़ कम आई होगी क्योंकि कबूतरों में ये अपने जो नई ऐप इंस्टॉल करी है इसकी सेटिंग नहीं पता थी, सेटिंग करी है मैंने अभी, तब जाके सही आवाज़ भी आ रही है, और स्क्रीन भी बड़ी हो गई वरना स्क्रीन बहुत छोटी हो रही थी। तो दोस्तों ये कबूतर आ रहे हैं नीचे 4-5, और एक बैठेगा तो 7-8 बैठ जाएंगे, थक गई हैं। और ये ऊपर चले रहे हैं, चील की आवाज आई तो ये वापस, ये देखिए दोस्तों सही मेहनत वो कहलाती है कि आप कबूतर उड़ो, कबूतर उड़े, और जब तक कबूतर उड़ते रहे तब तक आप छत पे बैठे रहें, तो उसी में मेहनत है, क्योंकि आपको एक एक कबूतर को देखना है, जब कबूतर वापस आए तो वो बीट कैसी कर रहा है, बीट के अंदर अगर सफ़ेद बीट कर रहा है तो मतलब अभी फेट है, उसके अंदर फेट निकाल रहा है वो, तो एक एक चीज़ देखना पड़ती है। अब कल का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, कल कबूतर उड़ाए थे मेरे 20, यही उड़ाए थे मैंने, 15 कबूतर वापस बैठ चुके थे, 15 कबूतर आसमान में थे। 10:30 बजे मेडिकल कॉलेज से फ़ोन आता है कि आ जाइए साहब करना है, तो हाल के हाल विद इन 15 मिनट के अंदर तैयार होकर मेरे को भागना पड़ा, और जब शाम को फिर वापस आया मैं 4 बजे, तब देखा कि वो कबूतर मौजूद थे। अब कितने बजे आए कितने बजे नहीं आए ये मेरे को कोई पता नहीं, तो ऐसे कबूतरबाजी नहीं होती, ऐसे कबूतर की उड़ान नहीं होती कि कबूतर को उड़ता हुआ आप छोड़ते हुए चले जाएँ कहीं पर भी। गिरेबाज की खासतौर से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गिरेबाज आसमान में बंद होता है, और हर गिरेबाज कबूतर अपनी अलग खासियत बताता है, तो जब तक कबूतर उड़ेंगे तब तक आपको छत पे बैठना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके कबूतरों पे मेहनत हो सकती है। आप मेहनत करेंगे उससे डबल कबूतरों से मेहनत करवानी है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, 15 कबूतर आ गए थे और 5 कबूतर आसमान में थे, ठीक है, जो अभी निकल गया था मुझे, 15 कबूतर बैठ गए थे और 15 कबूतर आसमान में थे, और ये 15 कबूतर बैठ गए थे और 5 कबूतर आसमान में थे, तो गलती हो जाती है साहब बोलने में कभी कभी। दोस्तों ये कबूतर वापसी करते हुए, कुछ कबूतरों का पहला दिन है इसमें, और कुछ कबूतरों का चौथा या पांचवा दिन है। ये पहला कबूतर आ गया बाजरा, और इसके बाद लाइन लग जाएगी, देखिए कबूतर के ऊपर भारी हो रहे हैं, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत भारी हो रहे हैं कबूतर के ऊपर। कबूतरों के परों के फड़फड़ाहट से पता लग जाता है कबूतर का वज़न भी भारी है और पर भी भारी हो रहे हैं उनके, तो ये लगातार आप कबूतर बैठना चालू, 6 कबूतर बैठ चुके हैं, 7वां कबूतर, ये देखिए
ये आठवा, ये नवा और ये दसवा। तो ऊपर ओस चल रही है, हल्की हल्की ओस गिर रही है, इसकी वजह से कबूतरों के पर भारी हैं। चार चार आठ नौ कबूतर बैठ गए। उन्नीस कबूतरों में से नौ कबूतर अभी बैठे हैं अपने। अब आपको कुछ ऊपर जो चल रहे हैं कबूतर वो देखते हैं अपन, उनको ढूंढते। ये दो कबूतर तो ये चल रहे हैं ऊपर, ठीक है, जो दिखते वो उड़ रहे हैं, और एक इधर दिख रहा है ये, जो अपन ने एक साथ कबूतर उड़ाए तो कबूतर बने हुए जो उड़ते हैं, जिनको चार पांच दिन से लगातार उड़ा रहे थे, तो अब उनके लिए रेस्ट देना ज़रूरी हो जाएगा, उनको रेस्ट देंगे। और दोस्तों खुराक का वीडियो आज बनाऊंगा मैं, आज खुराक बनाऊंगा इन कबूतरों के लिए, क्योंकि 20 दिन बचे हैं, 20 दिन इनको खुराक के दम पे उड़ाएंगे अपन, और कोशिश करेंगे कि कबूतर अच्छे उड़ें और अपना नाम हो, क्योंकि कबूतर उड़ता है तो नाम होता है, और कबूतर अगर लाख रुपए का जोड़ा घर में पर कटा पड़ा हो तो उससे कोई नाम नहीं होगा। तो अब जैसे जैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नौ कबूतरों ने एक घंटा पूरा कर लिया, ये इधर चल रहा है, ये देख रहा हूँ मैं, एक साथ चल रहे हैं नौ कबूतर, सात कबूतर एक साथ चल रहे हैं, दो उनके ऊपर उड़ रहे हैं, अभी सारे एक साथ दिख जाएंगे। तीन कबूतर नीचे आ गए बिल्कुल ही, तो तीन कबूतर मेरे हिसाब से जल्दी नीचे कूद जाएंगे। और तीन कबूतर और आसमान में दिख रहे हैं, बूंद बने हुए, कोहरा बहुत ज़्यादा हो गया है, और धूप नहीं निकली। आज तीसरा दिन है जो बिल्कुल धूप नहीं निकली भोपाल के अंदर, दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तीन दिन से सॉरी, और कई दोस्तों ने बहुत बेहतरीन कबूतर उड़ाए इस बारिश के अंदर, जिसमें राजेंद्र भाई का नाम ख़ास तौर से, जिनके गौरी ब्रदर्स टूर्नामेंट के अंदर सात के सात कबूतर रजिस्टर्ड हुए, जिसका मैंने पर्चा भी डाला था, देखा होगा कई दोस्तों ने कम्युनिटी पेज पे। उसके बाद आते हैं हमारे वसीम भाई फ्रिज, उनके भी कल बहुत बेहतरीन कबूतर उड़े, बहुत तेज़ बारिश थी कल, तो कल की बारिश के अंदर उन्होंने कबूतर उड़ा के बहुत बेहतरीन मज़े करवा दिए पूरे भोपाल वालों के, बहुत मज़ा आया था कल उनकी उड़ान में, वसीम भाई की उड़ान में। तो ये तीन कबूतर आ ही गए बिल्कुल, ये हमारा कलसरा कबूतर आया है, और ये तीनों नर ही नर है। तीन कबूतर और आ गए, तो चार चार आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कबूतर हो चुके हैं हमने। एक कबूतर यहाँ बैठा हुआ है, अंदाज़ा है मेरा, बैठते हुए देखा नहीं मैंने। तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तेरह कबूतर, अब सात कबूतर और बाकी हैं अपने, जो आसमान में लगे हुए हैं, दिखते हैं तो मैं बताता हूँ। दो कबूतर और दिखे ये भी कोहरे के अंदर, एक ही है और एक इधर है। तेरह और दो पंद्रह,
पांच कबूतर अभी भी गायब चल रहा है। तो ये दो कबूतर और आते हुए अपने ऊपर देखे, पर कितने भारी हो रहे हैं, क्यों बारिश हो रही है ऊपर। ये मादेन आई है और ये भी मादेन है ऊपर वाली, देखिए बैठते नहीं बनना उनके परों से, इतने भारी हो रहे हैं बारिश की वजह से, बस कैसे भी करके उड़ रहे थे वो। देख सकते हैं आप कितने, चार चार आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह कबूतर हो गए, पांच कबूतर और बाकी है। पांच कबूतर अपने बाकी हैं अभी दोस्तों, पांच कबूतर बंधे हैं अपने, पंद्रह कबूतर बैठे हुए हैं और बारिश चालू हो गई है। देखिए आप बारिश की बूंदाबांदी, और ओल्ड सिटी के अंदर से भी खबर आई है कि वहां पे तो बहुत तेज बारिश हुई है, तो ये सारे कबूतर ऊपर ही बैठे हुए हैं अपने और पांच कबूतर बंद हैं। पता नहीं वो वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे, बारिश के अंदर कहीं बैठ जाएंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। इस बारिश के अंदर कबूतर उड़ाए जाएं या नहीं उड़ाए जाएं, क्योंकि मौसम एकदम करवट ले रहा है और तेज़ तेज़ बूंदाबांदी चालू हुई है, बड़ा ही ख़तरनाक मौसम होता जा रहा है। दोस्तों बारिश के बाद ये दो कबूतर देखे, भारी बारिश के बाद, और 9:30 करीब बज रहे हैं, तो ये दो कबूतर हैं और तीन इसके ऊपर होंगे, तो ये चल रहे हैं अभी अपने कबूतर बारिश के अंदर भी। तीन कबूतर दिख गए, ये तीन दिखे, तो और भी कबूतर आएंगे, और भी दिखेंगे कबूतर। जब तीन को पकड़ लिया तो दो कबूतर और दिख ही जाएंगे इनके साथ में, तो ये आज कबूतरों ने पांच की उड़ान चल रही है। अब 15 कबूतर बैठे हुए अपने, तो दो साहब कबूतर आते हुए अपने, तीन तो ये दिख रहे हैं अपने और एक ये चल रहा है इधर आ ही रहा है वो, ये आता हुआ। बहुत तेज स्पीड रहती है इसकी, और चील आ गई, चील को देख के चमक गया वो। दोस्तों आते आते ये चील को देख के फिर वापस चले गया ये वाला कबूतर, और तीन कबूतर ही अपने एक साथ चले रहे, और एक कबूतर और नज़र नहीं आ रहा, पांच कबूतर होना चाहिए टोटल, तो पांच कबूतर के अंदर चार कबूतर नज़र आ रहे हैं अपने। तो ये आते हुए हमारा एक और कबूतर नीचे यहीं पे धरने पे बैठेगा, ये कबूतर इधर से आ रहा है, ये आ गया, ये ऊपर नहीं बैठता, ये नीचे बैठता है, या तो पिंजरे पे बैठता है या फिर इस अड्डे पे बैठेगा। ये देखिए, तो दोस्तों आपने देखा हर एक कबूतर की आदत सबको पता हो जाती है अपने। तीन कबूतर चल रहा है अपने ऊपर उड़ रहे, दोस्तों
सारे कबूतर बंद कर दिए हैं, दो कबूतर अपने नहीं आए, शायद पिटा हुआ होगा या आसमान के अंदर बंद होंगे या बाजबेरी का शिकार हुए होंगे, कुछ भी हो सकता है, देयर आर मेनी ऑप्शंस। तो चलिए आज का वीडियो बंद करते हैं और इसे अभी ही अपलोड कर दूंगा मैं, क्योंकि वर्किंग टाइम हो चुका है, जाने का टाइम हो चुका है काम पे। तो दो कबूतर नहीं आए, अगर ये आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कबूतर आए, क्योंकि 11:30 बज गए, कबूतर नहीं आए और सारे कबूतर बंद हो चुके हैं, पानी पिला दिया इनको। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब उड़ान दूंगा तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।